हेलो बच्चों, मैं ऋषभ अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। सब्जेक्ट है हमारा आज का हिंदी, वर्कशीट नंबर है 39 और डेट है आपकी 2 अक्टूबर 2020। कक्षा है स्टूडेंट्स आपकी 9th। एज यूजुअल आपको अपना यहाँ पर नाम फिल करना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम फिल करना है। तो बच्चों, आज जो हम वर्कशीट डिस्कस करने वाले हैं वो स्पेशल डे और स्पेशल पर्सन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि 2 अक्टूबर जो जन्म का दिन कहलाता है महात्मा गांधी जी, उन्हीं के बारे में आज हम वर्कशीट में डिस्कस करेंगे हिंदी सब्जेक्ट के अंदर। तो जल्दी से आप अगर न्यू यूजर है बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, तुरंत आपके मोबाइल पर पहुँच जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पर डायग्राम दिए जा रहे हैं चित्र। इन चित्रों को ध्यान से आप देखिए, ध्यान से अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ रिलेशन निकल के आएगा। इन्हें पहले ऐसे क्रम में रखिए जिसे एक कहानी बनती हो, इन्हें आप इस फॉर्म में रखिए जिससे कि कोई ना कोई एक छोटी सी कहानी या बड़ी कहानी बन जाए। फिर नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग कर चित्रों के लगाए गए क्रमानुसार 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा आपको लिखनी है। तो यहाँ पर ये बच्चे कह रहे हैं कि ये जो पिक्चर दी हुई है इनको आपको अरेंज करना है, अरेंज करके नीचे संकेत दिए हुए उसको देखना है और उसके हिसाब से 100 से 120 शब्दों में आपको लघु कथा लिखनी है। तो बच्चों ये चित्र दिए हुए एक बार हम संकेत भी देख लेते हैं। संकेत में दिया हुआ है इसी से प्रेरित हो उन्हें इसे इसके खिलाफ आंदोलन किया, ये जो ऊपर दिया हुआ है इसी से वो प्रेरित हुए और एक इनके खिलाफ आंदोलन किया, डिब्बे से निकाल दिया गया। काले लोगों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने की इजाजत नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी को भी बहुत बुरा अनुभव सहना पड़ा। मेरे पास प्रथम श्रेणी के डिब्बे का टिकट है, काले और गोरे लोगों में भेदभाव था, काफी बहस भी की। गांधी जी ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया जा रहे थे। सामान के साथ ट्रेन से बाहर घटना ने जीवन का रास्ता ही बदल दिया, यह तो पूरी मानवता पर अन्याय है। तो बच्चों यहाँ से हमें संकेत से ये पता चल रहा है कि डिब्बे से निकाल दिया, यहाँ पर देखिए इससे प्रेरित हो उन्हें आंदोलन चलाया, डिब्बे से निकाल दिया। तो पहला चीज आप देखिए यहाँ पर जो है ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि महात्मा गांधी जी की कहानी है। तो यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि डिब्बे में यहाँ पर वो चढ़े थे महात्मा गांधी जी। तो यहाँ आप लिख सकते हो, इसको क्रमानुसार आपको लिखना है, ये है महात्मा गांधी जी, पहले तो आपको यहाँ पर 1 ये लिखना है, उसके बाद सेकंड आप यहाँ देख रहे हो पब्लिक जो है सेकंड नंबर ये आएगा, उसके बाद इन्होंने क्या करा था, प्रथम श्रेणी की टिकट थी इनके पास तो ये ट्रेन में चढ़ गए, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रेन में चढ़ने के बाद वहाँ पर ये देखा गया कि जो गोरे लोग हैं, मतलब पुलिस को बुलाया गया, मतलब यहाँ पर ऊपर पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस अंदर आई तो उन्होंने क्या देखा, जो गोरे लोग हैं वो तो इस फर्स्ट श्रेणी में आ सकते हैं क्योंकि वो बेसिकली गोरे लोगों के लिए था और काले लोग मतलब जो महात्मा गांधी जी थे वो थोड़े मतलब इतने फेयर नहीं थे, तो काले लोग जो है वो वहाँ पर नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पर 5वां नंबर ये आ जाएगा क्योंकि ये गोरे लोग को टिक किया गया है और क्रॉस किया गया है काले लोगों को। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पर ये जो पुलिस वाले अंदर आए वो यहाँ से खींच के वो बाहर ले गए 5वें नंबर पे, उनको समझाया 5वें नंबर पे ये आ जाएगा, फिर उनको धक्के से यहाँ पर बाहर की तरफ खींचा और खींचने के बाद बाहर निकाल दिया ट्रेन से। ठीक है बच्चों, तो ये 7 नंबर पे ये आ जाएगा, ये हो गया क्रमानुसार इसका स्टोरी और ये संकेत हमें दिए हुए थे। इसके ऊपर हमें क्या लिखना था, लघु कथा। तो लघु कथा मैंने यहाँ पर बच्चों लिखी हुई है, तो आप समझ सकते हो बहुत इजी है ये, अगर एक बार आप मेरी वीडियो को सुन लेते हो तो। लघु कथा क्या है, गांधी जी अपने एक क्लाइंट का केस लड़ने के लिए डर्बन से प्रिटोरिया जा रहे थे। जो गांधी जी थे वो अपना जो एक क्लाइंट था, मतलब ये वकालत करते थे, तो एक केस लड़ने के लिए डर्बन से कहाँ जा रहे थे, प्रिटोरिया। गांधी जी जिस लॉ फॉर्म में कार्यरत थे, जिस भी लॉ फॉर्म में काम करते थे, उसने उनके लिए एक फर्स्ट क्लास सीट बुक की थी। जो कार्यकर्ता जहां पर काम करते थे उन्होंने एक टिकट बुक की थी जो कि फर्स्ट क्लास थी। रात के 9 बजे के करीब जब नटाल की राजधानी मैरिट्सबर्ग पहुंचे तो एक रेलवे हेल्पर उनके पास बिस्तर लेकर आया। तो रात को 9 बजे एक नटाल की राजधानी जो ये बताई गई है
यहाँ पर रेलवे हेल्पर उनके पास आया और बिस्तर लेके आया, तो गांधी जी ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनके पास खुद का बिस्तर है, उन्होंने उनकी हेल्प नहीं ली क्योंकि उनके पास खुद का बिस्तर था। थोड़ी ही देर बाद एक दूसरे यात्री ने गांधी जी को गौर से देखा और कुछ अधिकारियों को साथ लेकर आया। तो थोड़ी देर में वो ट्रेन में बैठे हुए थे, तो गांधी जी को गौर से देखा और अपने अधिकारियों को लेके आ गया, जैसे ऊपर दिखाया गया था। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर एक अधिकारी गांधी जी के पास आया और उनसे थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में जाने को कहा। तो एक अधिकारी आया और गांधी जी को बोला कि आप थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में चले जाइए, क्योंकि फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सिर्फ गोरे लोगों की ही सफ़र कर सकते हैं। उन्होंने ये रीज़न दिया कि इस कंपार्टमेंट में सिर्फ गोरे ही लोग सफ़र कर सकते हैं। गांधी जी ने इस पर जवाब दिया, लेकिन मेरे पास तो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का टिकट है, क्योंकि गांधी जी तो गलत नहीं बैठे थे, उनके पास फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट का टिकट था और वो फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे। गांधी जी ने कंपार्टमेंट छोड़ने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास फर्स्ट क्लास का है तो मैं क्यों कंपार्टमेंट छोड़ूं। इस पर उस अधिकारी ने पुलिस को बुलाने और धक्का देने पर जबरन बाहर करने की धमकी दी। फिर उसने और भी पुलिस वालों को बुलाया और धक्का देकर जबरन उनको बाहर जाने की धमकी दी। गांधी जी ने भी उससे कहा कि वह उनको चाहे तो धक्के मारकर बाहर कर सकता है। गांधी जी ने भी कहा कि मैं चाहूँ तो मैं आपको धक्का मारकर बाहर कर सकता हूँ, लेकिन वह अपनी मर्जी से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन जो है वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद उनको धक्का मारकर बाहर कर दिया गया और उनके सामान को दूर फेंक दिया गया। तो थोड़ी देर बाद क्या है, पुलिस वाले आ गए और उन्होंने धक्का मारा और उनको और उनके सामान को बाहर फेंक दिया। गांधी जी रात में स्टेशन पर ही ठंड से ठिठुरते रहे, वो कहीं और नहीं गए, रात स्टेशन पर ही बैठे रहे और ठिठुरते रहे। ठीक है बच्चों, तो इसमें टर्निंग पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखिए टर्निंग पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, इस घटना से गांधी जी टूटने की बजाय और मजबूत होकर उभरे। यहाँ पर क्या था कि जो गांधी जी को बाहर निकाल दिया गया था, जनरली बंदा क्या होता है कि यार मतलब दिल दुख हो जाता है या ये होने लगता है कि चलो छोड़ो अब अगली ट्रेन पकड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो मतलब एक अंदर से टूट जाता है इंसान। तो यहाँ पर बताया गया है इस टर्निंग पॉइंट में कि गांधी जी जो है वो टूटने की बजाय बहुत ही ज़्यादा मजबूत होकर निकले। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के कानून के खिलाफ मुहिम चलाई, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चलाई ये चीज़, जिसके तहत भारतीय समुदाय के लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस जो मुहिम में भारतीय समुदाय के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय नागरिकों को दयनीय हालत की ओर दुनिया का ध्यान खींचा। तो 1894 में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था, किन्होंने, गांधी जी ने, और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय नागरिकों को दयनीय हालत की ओर ध्यान की तरफ खींचा। 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने भारतीयों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये लास्ट लाइन में बताया, 1906 में जो ट्रांसवाल सरकार ने भारतीयों के अधिकारों पर, जो भारतीयों के अधिकार थे उन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, उस समय गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह या सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। तो इस बात से ये प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और उन्होंने कहा कि ये जो गोरे और काले का भेदभाव आप कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है बच्चों, तो ये थी पूरी की पूरी जो चित्र में दी हुई थी और हमने यहाँ पर डिटेल में लघु कथा लिखी। तो जल्दी से बच्चों मेरी वीडियो को लाइक करिए, अगर आप न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब जरूर करिए विद बेल आइकन, और फाइनली इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी भी ग्रुप में, तो जिससे कि बच्चे टाइमली वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।